औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम उत्तर प्रदेश की बात करने जा रहे हैं, जहां पर लगातार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी नगर पालिका के चुनाव के लिए अपनी जानिब से पूरी कोशिश कर रही है। और इसी बीच मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के चाहने वाले मजलिस को यहाँ पर मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, और उसी के चलते हमारे हिंदू भाई आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की सदस्य हासिल कर मजलिस को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का वो काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसी बीच लगातार कई लोगों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के टिकट के लिए यहाँ पर दावेदारी पेश की है, और उसी के चलते यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि लगातार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के नुमाइंदों को यहाँ पर जिस तरह से काम करता हुआ देखकर भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। और लगातार अख्तर उल ईमान साहब की क़यादत उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ के हमारे हिंदू भाई आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का टिकट लेने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। क्योंकि आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश की क़यादत बड़ी तेज़ी के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी आगे बढ़ा रही है, और अख्तर उल ईमान साहब बिहार में जिस तरह से काम कर रहे हैं, और बिहार के जो लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के साथ जिस तरह से जुड़े हुए हैं, आज वो लोग मजलिस को यहाँ पर उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ थामे हुए हैं। और यहाँ पर आज उत्तर प्रदेश की आवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की क़यादत से खुश है, और वहाँ पर मजलिस की कयादीन और जिस तरह से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब लगातार उत्तर प्रदेश के उज्जवल विकास के लिए यहाँ पर अख्तर उल ईमान साहब को क़यादत को सौंपे हैं, और लगातार उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी बड़ी तेज़ी के साथ मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए आने वाले नगर पंचायत, नगर पालिका के चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी बड़ी दावेदारी पेश कर सकती है। तो आप सब मिलकर ऐसे ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से जुड़े रहें। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से जुड़ी हुई छोटी बड़ी खबरों को देखने, जानने, पहचानने के लिए बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।